अगर हम इस दुनिया की सबसे पुरानी फोटोग्राफ की बात करें तो उसका नाम है व्यू फ्रॉम द विंडो एट लाग्रास, जिसे फ्रेंच इन्वेंटर जोसेफ एन द्वारा 1827 में क्लिक किया गया था। लेकिन इस दुनिया में एक फोटो ऐसी भी है जो कि आज से करीब 13,000 करोड़ साल पहले की है और उसे हम अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं। और तो और इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह हम बिना किसी डिवाइस की मदद से समय में पीछे देख सकते हैं। तो इस दुनिया में कुछ ऐसी फोटोस मौजूद है जिन्हें सबसे अलग माना गया है और इन्हें किसी स्मार्टफोन या कैमरा की मदद से नहीं निकाला गया, बल्कि इन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से क्लिक किया गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे साल 1990 में धरती के ऑर्बिट में भेजा गया था। दरअसल हबल टेलीस्कोप धरती की एटमॉस्फेरिक लेयर से बाहर है, या सरल भाषा में कहे कि ये एक तरह से स्पेस में ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि तरह तरह के रेडिएशन और एक्सरेस को धरती से ऑब्जर्व करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि धरती का एटमॉस्फेयर इन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। और यही वजह है कि हबल टेलीस्कोप को धरती की लोअर ऑर्बिट यानी कि स्पेस में भेजा गया है, क्योंकि वहां से इन रेडिएशन और स्पेस को अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। इस टेलीस्कोप में प्रीसियस मिरर सिस्टम का इस्तेमाल होता है और हबल की मदद से हम अल्ट्रावायलेट से लेकर इंफ्रारेड तक सब कुछ देख सकते हैं। और यही वजह है कि इसके मेन मिरर का स्पेशल होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो हबल टेलीस्कोप को बनाने की शुरुआती लागत 3,000 करोड़ रुपए थी, पर लॉन्च तक आते आते इसमें सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट के 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। इसी के साथ इसके लॉन्च के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा इसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा और खर्च किया गया। 25 अप्रैल 1990 ही वो दिन था जब हबल टेलीस्कोप सक्सेसफुली धरती के लोअर ऑर्बिट में स्थापित हुआ, जिसके बाद साइंटिस्ट ने चैन की सांस ली। लेकिन सिर्फ ऑर्बिट में सही तरीके से पहुंच जाना एक चुनौती नहीं थी, बल्कि इसका सही से काम करना भी साइंटिस्ट के लिए एक और चुनौती थी। स्पेस में पहुंचने के बाद हबल के मेन मिरर में कुछ दिक्कतें आ गई थी और वो जो भी तस्वीरें क्लिक करता था वो ब्लर नजर आता, जिसके बाद लगभग 3 साल इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। और यही वजह है कि हबल टेलीस्कोप की मदद से पिछले 3 दशकों से स्पेस की बहुत सारी शानदार फोटोग्राफ्स सामने आ चुकी है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी कैप्चर करने में सक्षम है, इसी वजह से ये धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा शॉट्स कैप्चर करता है। तो एक तरफ जहाँ हबल टेलीस्कोप नई नई पिक्चर्स क्लिक करता है, तो वही दूसरी तरफ हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो रहा है और उसके साथ स्पेस का फैब्रिक भी एक्सपैंड हो रहा है, जिस वजह से यूनिवर्स से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ भी स्ट्रेच हो रही है। जिसका मतलब ये है कि हबल तक जो लाइट इतनी समय से ट्रैवल करके आज हबल तक पहुंचा है, वो वेवलेंथ उतनी ही साल पुरानी है जितना साल उस लाइट को हबल तक पहुंचने में लगा। यानी कि हम जो भी वेवलेंथ को आज देखेंगे वो असल में लाखों करोड़ों साल पुरानी होगी। दोस्तों, इस फेनोमेनन को रेडशिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही लंबा उससे निकलने वाली लाइट को स्पेस में ट्रैवल करना पड़ेगा और इसी वजह से वो लाइट लाल रंग की हो जाएगी। अब सिर्फ लाल रंग का ही क्यों दिखेगा और किसी रंग का क्यों नहीं? दरअसल रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और इसी वजह से वो लाल रंग का दिखेगा, किसी और रंग का नहीं। 2016 में हबल टेलीस्कोप की मदद से एक ऐसी ही गैलेक्सी की खोज मिली जो धरती से बहुत ही ज्यादा दूर था। ये गैलेक्सी था GNZ-11, जो कि न सिर्फ डिटेक्ट किया गया बल्कि उसकी फोटोग्राफ निकालने में भी हम सफल हो गए। ये गैलेक्सी उर्सा नाम के कॉन्स्टेलेशन की तरफ मौजूद थी और इसमें भी रेड शिफ्ट साफ नजर आ रहा था। GNZ-11 धरती से करीब 32 बिलियन लाइट ईयर दूर है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, जिस वजह से सही मायनों में हमें इसका आज का रूप देखने को नहीं मिला, बल्कि हबल टेलीस्कोप ने हमें इसका आज से करीब 13.4 बिलियन साल पहले का रूप दिखाया, क्योंकि इस गैलेक्सी से लाइट को हबल टेलीस्कोप तक पहुंचने में इतना ही वक्त लगा। अब इतना सब जान लेने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि GNZ-11 गैलेक्सी की फोटोग्राफ इस दुनिया की सबसे पुरानी तस्वीर है। फिर चाहे इसे 1827 में क्लिक की गई व्यू फ्रॉम द विंडो एट लाग्रास फोटोग्राफ के 190 साल बाद ही क्लिक क्यों ना किया गया हो, पर साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि GNZ-11 गैलेक्सी स्पेस में मौजूद डार्क एज के बहुत ही ज्यादा करीब है। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ये डार्क एज क्या होती है। दरअसल डार्क एज वो समय है जब यूनिवर्स के अंदर सबसे पहला स्टार बना था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस समय यूनिवर्स की साइकिल शुरू हुई थी और इसी वजह से ये हबल टेलीस्कोप से बहुत ही ज्यादा दूर है, शायद इतनी दूर कि हबल टेलीस्कोप भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। पर ये स्पेस के रीआयोनाइज्ड एरिया में था, जिस वजह से
इससे आने वाली लाइट को एक और गैलेक्सी से होकर गुजरना पड़ा। और क्योंकि उस गैलेक्सी ने एक लेंस की तरह काम किया, तो उसी वजह से ये गैलेक्सी हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट हो पाया। अब GNZ गैलेक्सी की फोटोग्राफ्स देख लेने के बाद अगर आपको ये लगता है कि यही इकलौती सबसे पुरानी तस्वीर है, तो आप गलत हो, क्योंकि इसके अलावा भी हबल द्वारा बहुत सी फोटोज क्लिक की जा चुकी है, जैसे कि A2744YD4 गैलेक्सी, जो बिग बैंग धमाका होने के बाद सिर्फ 60 करोड़ साल तक ही जिंदा था, और हबल ने इतने पुराने गैलेक्सी की तस्वीरें ली थी उसके खत्म होने से पहले। लेकिन सिर्फ गैलेक्सी ही नहीं, बल्कि 23 अप्रैल 2009 को स्विफ्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने एक GRB यानी गैमा रे बर्स्ट की तस्वीरें ली थी, और ये GRB 13.35 बिलियन साल पहले हुआ था, और 6 दिसंबर 2017 को एक क्वेजार को भी ढूंढ निकाला गया, जो कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकल रहा था, जिसका मास हमारे सूरज से 80 करोड़ गुना ज्यादा था, और इस क्वेजार की जो रोशनी हमारी धरती तक आ पहुंची, वो 13.1 बिलियन साल पुराना था। कौन कहता है कि टाइम ट्रैवल नहीं होता? स्पेस एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप लाखों करोड़ साल पुरानी रोशनी को आज एट प्रेजेंट देख सकते हो। हो सकता है जिस सितारे को आज अपनी आंखों से आसमान में देख रहे हो, वो हकीकत में लाखों करोड़ साल पहले ही मर चुका है, और आपके सामने बस उसकी अतीत में दी गई रोशनी ही आ रही है। ये टाइम ट्रेवल वाला कंसेप्ट आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।